morning again. Today is my second class, and today's second class, which class is second class? GK class. Yes. And do you like GK? I know, क्योंकि आप GK में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. बहुत अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी लर्न कर रहे हैं और उसका आंसर भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं. आई एम सो हैप्पी फॉर योर परफॉर्मेंस. ओके, आप ऐसे ही जीके से जुड़े रहिए और जीके ही बहुत ही इम्पोर्टेंस है आगे आपको कंपटीशन वगैरह के लिए. जीके बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है आपके फ्यूचर के लिए. ठीक है, तो आप ऐसे ही जीके से आप जुड़े रहिए. और आन्या, लक्ष्मिता और कृष्णा, आप दोनों का बहुत अच्छा बन के आया, बहुत अच्छा. आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है जीके में. ओके, आप ऐसे ही याद करते रहिए. तो आज मैम जीके में 4 क्वेश्चन लेके आई है. तो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया. अब जैसे आप जिस गांव में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं ना, वहाँ पे ढेर सारे घर होंगे. सिर्फ आपका तो घर होगा नहीं, आपके बगल में और सब. ऐसे हमारा इंडिया है, इंडिया में भी स्टेट, जैसे हम यूपी में रहते हैं, ऐसे हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया, 29 स्टेट इन इंडिया. हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया, 29 स्टेट इन इंडिया. और 29 स्टेट में जो ये यूपी है, हम किस स्टेट में रहते हैं? यूपी में रहते हैं. ओके, एंड हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. ओके, एंड हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, 8. यस, 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. ओके, आप ये यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट में डिफरेंस क्या है? जो आपका स्टेट है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का शासन चलता है, उनके निर्देशानुसार यहाँ पे काम होता है. ठीक है, और जो ये आपका यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चलता है, चीफ मिनिस्टर. ओके, एंड व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन. डेली होता है ना असेंबली में. एंड व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. नेशनल सॉन्ग क्या है इंडिया का? यस, क्या है? वंदे मातरम. और वंदे मातरम लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है, इसके गीतकार कौन है? इसके लेखक है बंकिम चंद चटर्जी. ठीक है, एंड व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जन गण मन. एंड इनके राइटर कौन है, कौन है? रवीन्द्रनाथ टैगोर. और रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक दूसरे देश का भी राष्ट्रगान लिखा है. किस देश का राष्ट्रगान लिखा है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप खुद से सर्च करिएगा. ठीक है, मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी आपको. ठीक है, एंड हाउ मैनी, जो ये स्टेट होता है, यहाँ पे किसका शासन चलता है? मुख्यमंत्री का. ठीक है, और जो ये आपका यूनियन टेरिटरीज होता है, यहाँ पे राज्य का शासन चलता है, केंद्र राज्य का. ठीक है, अब हम आइए हम आंसर लिखते हैं और आप भी देख के लिखिए. सो कम, हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया? सो 29 स्टेट इन इंडिया. हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, 8. How many union territories in India? 8 union. Territories. Okay. What is the national anthem of India? Jana Gana Mana. Okay. And Jana Gana Mana ke writer kaun hai? रवीन्द्रनाथ टैगोर. व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है? वंदे मातरम. ओके, वंदे मातरम. और वंदे मातरम लिखा किसने है? बंकिम चंद चटर्जी ने. ओके, सो रिपीट अगेन, हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया?
29 state in India. How many union territories in India? 8 union territories in India. What is the national anthem of India? Jana Gana Mana. What is the national song of India? Vande Mataram. ठीक है. स्टेट मीन्स क्या होता है? जहाँ पे राज्यों का शासन चलता है. ठीक. एंड यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? जहाँ पे केंद्र का शासन चलता है. ठीक है, केंद्र सरकार का शासन चलता है. ठीक है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पे शासन चलाया जाता है. एंड स्टेट में क्या होता है? मुख्यमंत्री का शासन चलता है. ठीक, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर योगीनाथ. ठीक है, आदित्यनाथ योगी. और यहाँ पे इनका शासन चलता है. कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा? ठीक. वॉट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जनगण मन. ठीक है. वॉट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? वंदे मातरम. ठीक है बच्चों, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है. वैसे आप बहुत अच्छे से याद करते हो, आप और अच्छे से याद करिएगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके जीके क्वेश्चन थे, आपको लर्न करना है. ठीक है, स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना है. फर्स्टली आपको लर्न होना चाहिए. ठीक, इनके नामों को लर्न करिए. ठीक है. हाउ मैनी स्टेट इन इंडिया? 29 स्टेट इन इंडिया. हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. एंड वॉट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जनगण मन. वॉट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? वंदे मातरम. एंड इनके राइटर कौन है? बंकिमचंद चटर्जी. एंड जनगण मन के राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. सो बाय.